हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आने वाले टाइम में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप बिना हाथ लगाए, जरा गौर से सुने दोस्तों, बिना हाथ लगाए अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि जैसे मान लीजिए एक इंसान बिहार में बैठा है और दूसरा इंसान दुबई में बैठा है, तो वो दोनों इंसान बिना कुछ बोले, बिना कुछ टाइप किए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी बातें कर सकते हैं थॉट प्रोसेस के माध्यम से। मतलब ये कि इंसान सिर्फ सोच के ही बातें कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, पर मुमकिन है दोस्तों ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से। दोस्तों, ये टॉपिक काफी ज्यादा एडवांस और इंटरेस्टिंग है, सो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, वरना बाद में आप अफसोस करते रह जाएंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक मुझे पता क्यों नहीं चला। वेल, इस वीडियो में मैंने एकदम आसान से भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको समझ आए। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, लेकिन इसे ज्यादातर लोग कंप्यूटर ही कहते हैं। और इंटरफेस को आम भाषा में तालमेल कहते हैं, यानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच का तालमेल। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इंसानी दिमाग को समझना बहुत ही जरूरी है। हमारे दिमाग में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं और वो कंबाइन होकर न्यूरॉन्स बनाते हैं। आपको कि हमारा दिमाग बहुत सारे न्यूरॉन्स से भरा हुआ है, और नस की जो कोशिकाएं होती है वो डेंड्राइट और एक्सॉन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों, एक बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे दिमाग में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो क्या हम इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए एक बल्ब जला सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे दिमाग में इतने ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं होते हैं कि जिससे हम एक बल्ब जला सके। तो फिर हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होने का क्या फायदा, इसका दिमाग में क्या रोल है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए हम कुछ भी सोच पाते हैं या फिर कोई डिसीजन ले पाते हैं। जब हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, कुछ भी सोच रहा होता है, तो हमारे दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे होते हैं। आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत ही कम होते हैं, पर यह भी एक फैक्ट है कि इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए हमारा दिमाग काम करता है। पर क्या कोई ऐसा इंटरफेस या फिर कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ पाए? तो इसका जवाब है जी हाँ। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से दिमाग के अंदर चल रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी पकड़ सकते हैं, और हम इसे अपने बहुत से कामों में ले सकते हैं। इसी चीज को मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को अगर हम आसान शब्दों में समझाएं, तो ये एक तरह का मशीन होता है, आप इसे एक सिस्टम भी कह सकते हैं, जो हमारे दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है। फिर इंसान अपने दिमाग में ही सोच के जो इंस्ट्रक्शन देता है, और वो चीज होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बना लिया गया है, इंसान का दिमाग कंप्यूटर से कनेक्टेड है और इंटरनेट ओपन है, और अगर आप मन ही मन ये सोचते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे टेक्निकल मेहताब की वीडियोस देखनी है, तो गूगल आपको मेरी वीडियोस के लिस्ट आपको दिखाने लग जाएगा, और फिर आप सोच के ही स्क्रॉल कर सकते हैं, वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इसी इंटरफेस को हम कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, और इसे NCI भी कहते हैं, यानी न्यूरल कंट्रोल इंटरफेस। आपको बता दें कि इसका एक्सपेरिमेंट पहले जानवरों पे किया गया था। मंकी यानी बंदर के दिमाग से जुड़े गए थे मशीन, और बंदर अपने दिमाग से सिर्फ सोच के ही एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर पा रहा था। मतलब ये कि इंसान का दिमाग किसी मशीन के साथ कनेक्टेड है, और वो इंसान ये सोच रहा है कि मशीन हिलने लग जाए, तो वो मशीन हिलने लग जा रही है। इस लेवल तक टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है कि आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंग्स भी कुछ इस तरीके से काम करते थे। वो हमेशा व्हीलचेयर पे ही बैठे रहते थे क्योंकि वे पैरालाइज्ड थे, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते थे क्योंकि उनके गालों में कोई ऐसी चीज लगी हुई थी लाइक सेंसर्स वगैरह, जिससे वो कंप्यूटर के साथ अपने त्वचा की हल्की सी मूवमेंट से भी इंटरेक्ट कर पाते थे। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत 14 मार्च 2018
2012 में हुई थी। वो जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे लगभग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जैसा ही था। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान के पास अगर आंखें नहीं है फिर भी वो देख सकता है। दोस्तों ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा और आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये टेक्निकल मेहताब कैसी बातें कर रहा है जो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये पॉसिबल हो सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान की आंखें बन सकता है। जो इंसान देख सकता है उसके दिमाग में कुछ सेंसर्स या फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए और जो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे सिग्नल्स उसके दिमाग में भेजे जा सके, तो उस अंधे व्यक्ति का दिमाग सेंसर्स को समझ सकता है, फील कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक इंसान अपनी आंखों से एक पेड़ देखा तो पेड़ की छवि उसके दिमाग में बनी, फिर सिग्नल्स के माध्यम से उस पेड़ की छवि को अंधे व्यक्ति के दिमाग में भेजा जाएगा तो फिर उस अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाएगा। क्योंकि एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग से कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान देख सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया, पेड़ की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लाइक अगर आप क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम की इमेज अंधे व्यक्ति के ब्रेन में इम्प्रिंट होगी। जैसे हम अपने स्मार्टफोन में कोई फोटो खींचते हैं तो उस फोटो को फाइल्स या व्हाट्सएप के जरिए किसी को अगर हम भेजते हैं तो वही फोटो उस इंसान को दिखने लग जाता है। इसका एक और उदाहरण है, अंधे व्यक्ति के सर पे या फिर आंखों की जगह पे कैमरा और सेंसर्स वगैरह लगा दिए जाए तो उस इंसान को दिखने लग जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि इंसान के चार हाथ और लगाए जा सकते हैं और वो आपके ब्रेन से ही कंट्रोल होगा। दोस्तों ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो गई तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। इससे इंसान को बहुत फायदा मिलने वाला है। जो इंसान नहीं देख सकता है, जो बिल्कुल अंधा है, वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से देख पाएगा। और किसी इंसान के पास अगर हाथ पैर नहीं रहता है तो इसके जगह रोबोटिक्स आर्म्स और लेग्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। जापान के रिसर्चर्स ने एक ऐसी BCI टेक्निक डेवलप कर ली है जिससे हम वीडियो गेम खेलते वक्त अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिनको मेंटली प्रॉब्लम रहता है, जो अबनॉर्मल होते हैं या फिर गूंगे बहरे रहते हैं, तो उनका इलाज भी BCI की मदद से किया जा सकता है। तो सोचिए अगर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया तो इंसानों के लिए कितना ज्यादा यूजफुल होगा। आपका क्या ख्याल है इस BCI टेक्नोलॉजी के बारे में? इससे और क्या क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट जाने का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 8000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप लाइक कर ही देंगे। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।